डागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको ट्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटैलिटी, दालान रिसोर्ट शुक्ला नगर चिकनी सोनकी रोड दरभंगा, अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल्स एंड मेनी मोर। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में, अग्रवाल परिधान फैशन की नई पहचान, साड़ी लहंगा मेंस वियर लेडीज एंड। दरभंगा का युवक निकला फरेबी, पटना में प्रतियोगिता की तैयारी कर रही युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, 5 सालों तक किया यौन शोषण, फिर शादी से मुकरा, कहा दबाव दोगी तो अश्लील फोटो कर दूंगा वायरल। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, चौंका देने वाली खबर है यह दरभंगा से, जहां दरभंगा का एक युवक निकला है फरेबी, पटना में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही युवती को पहले उसने प्रेम जाल में फंसाया, 5 सालों तक किया यौन शोषण, फिर शादी से मुकरा, कहा दबाव डालोगी तो अश्लील फोटो कर दूंगा वायरल। शादी का झांसा देकर पटना के कोचिंग में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही एक युवती को एक युवक ने 5 वर्षों तक यौन शोषण किया, यह मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने दरभंगा के महिला थाने में आवेदन देते हुए कहा है कि वह अररिया जिले की रहने वाली है, पटना में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसी क्रम में 2017 में दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के लतराहा निवासी श्रवण महतो के पुत्र पुरुषोत्तम कुमार उर्फ सनी से उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और सनी ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और सफल भी हो गया। वहीं पीड़िता ने बताया कि जब भी मैं सनी से शादी की बात करती तो वह अपने पैरों पर खड़ा होने की बात कहकर बाद में शादी करने की बात का मुकरता रहा, लेकिन जब उसकी नौकरी लग गई तो वह टाल मटोल करने लगा और कहा कि अगर मुझे दहेज में कार और नकद रुपया मिलेगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा। पीड़िता ने बताया कि जब इस बात की शिकायत लेकर वह उसके गांव लतराहा गई तो उसके घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी, उसके साथ मारपीट की, यहां तक कि जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार पीड़िता ने थाने में आवेदन दिया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगा नदी में बहा पुल भरभरा कर गिरा, अगवानी सुल्तानगंज के बीच निर्माणाधीन इस 4-लेन पुल का 3 पाया सहित 300 मीटर का हिस्सा गंगा में समाया। 7 साल से गंगा नदी पर बन रहे पुल निर्माण के दौरान अब तक हो चुके हैं आधा दर्जन हादसे। बीते साल 30 अप्रैल को भी गिर गया था पुल का नवनिर्मित 100 मीटर का हिस्सा। 1,710 करोड़ रुपए की लागत से लगभग SP सिंगला कंपनी को पुल निर्माण का मिला है ठेका। हादसे के बाद निर्माण कंपनी के सभी इंजीनियर समेत कर्मी गायब। अगवानी से सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4-लेन पुल का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर नदी में समा गया। पिलर संख्या 10, 11 और 12 पूरी तरह से ध्वस्त होकर 300 मीटर का हिस्सा मुख्य धारा में समा गया। घटना के बाद अगवानी घाट पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि मौजूद लोगों में से कुछ ने गिरते हुए पुल के वीडियो को मोबाइल में कैद कर लिया। थोड़ी देर में यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। नदी में पुल के गिरने पर कई फीट ऊंची लहरें उठी, सुरक्षा गार्ड और मजदूर भी भागे, HR का दावा अलग। दरभंगा के जिलाधिकारी ने तटबंध की सुरक्षा और संभावित बाढ़ की तैयारी का लिया जायजा। बाढ़ प्रवण क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तटबंध की सुरक्षा और बाढ़ पूर्व तैयारी का फीडबैक लेने हेतु दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में घनश्यामपुर और कीरतपुर के प्रखंड प्रमुख के साथ साथ सभी मुखिया ई किसान भवन घनश्यामपुर में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने दोनों अंचल के अंचलाधिकारियों से संभावित बाढ़ की तैयारी के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी बिंदुओं पर
पुख्ता इंतजाम की समीक्षा जनप्रतिनिधियों के समक्ष की ताकि तैयारी का फीडबैक मिल सके। अंचलाधिकारी घनश्यामपुर ने बताया कि उनके यहाँ किसी भी नाविक का बकाया भुगतान लंबित नहीं है। आपदा संपूर्ति पोर्टल पर घनश्यामपुर के कुल 33,896 लाभार्थियों का डाटा अपलोड है, जिनमें से 33,361 लाभार्थियों का आधार सत्यापित किया गया है। लाभार्थियों का डाटा अपडेट किया गया है। इस वर्ष 2023 में स्थानीय प्राकृतिक आपदा में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है। अंचलाधिकारी कीरतपुर ने बताया कि उनके यहाँ 250 पॉलिथीन सीट्स उपलब्ध हैं। नाविकों का पूर्व का बकाया लंबित नहीं है। आपदा संपूर्ति पोर्टल पर 22,621 लाभार्थियों का डाटा अपलोड है, जिनमें से 21,975 लाभार्थियों का आधार सत्यापित है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। दरभंगा के नाकन नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में हर साल की तरह इस साल भी छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट। आइडियल पाथ में नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के विद्यार्थियों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई। नीट 2022 में प्रीति को 652, सुमित को 647 अंक के साथ साथ दर्जन भर से अधिक विद्यार्थियों ने अच्छा अंक हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में भी कई छात्र हुए जिला टॉपर। ग्लोरियस 39 ईयर्स ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल। डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन। सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशंस आर फ्री। संदूक के अंदर से मिली 2 मासूम भाई बहनों की लाश, इतना छोटा संदूक और उसमें 2 लाशें, इस राज से कांप रहा है लोगों का दिल। यह बड़ी और दिल को दहला देने वाली खबर इस वक्त दिल्ली से है। देश की राजधानी में फैल गई है सनसनी। दिल्ली के बटला हाउस इलाके में घर में रखे एक संदूक के अंदर 2 छोटे भाई बहन नीरज और आरती के शव मिले हैं। नीरज की उम्र 8 और आरती की उम्र 6 साल की है। इनके पिता बलबीर हैं, जो यहां F2 जोगाबाई एक्सटेंशन के एक घर में चौकीदारी का काम करते हैं। मूल रूप से यह परिवार नेपाल का रहने वाला है। इस घटना ने हर माँ बाप को मानो सन्न कर दिया, पूरी दिल्ली सहमी हुई है। दोनों बच्चे मंगलवार को खाना खाने के बाद अचानक से गुम हो गए थे। जिस संदूक में इन दोनों बच्चों के शव मिले हैं, वो इतना छोटा था कि उसके अंदर बच्चों का समाना मुश्किल था। जानकारी के अनुसार बटला हाउस इलाके में एक घर में रखे एक संदूक के अंदर 2 छोटे भाई बहन के शव मिले हैं। हर माता पिता को इस घटना ने सन्न कर दिया है। दोनों बच्चे मंगलवार को खाना खाने के बाद अचानक से गुम हो गए थे। जिस बिल्डिंग में दोनों बच्चों के शव मिले हैं, वहीं उनके पिता चौकीदारी का काम करते हैं। इस घटना के बाद जामिया नगर की पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे खाना खाकर खेलने के दौरान संदूक में बंद हो गए, लेकिन यह थ्योरी किसी को पच नहीं रही। पुलिस के अनुसार जामिया नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि जोगाबाई एक्सटेंशन के मकान नंबर F2 में 2 बच्चों के शव मिले हैं। प्राथमिक जांच में बच्चों के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं। दुर्घटनावश दम घुटने का मामला बता रही है पुलिस, लेकिन FSL और क्राइम टीम के रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में आगे कुछ कहा जा सकता है। बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, कई विभागों के प्रमुख बदले गए। प्रत्यय अमृत के साथ KK पाठक को मिली नई जिम्मेदारी। यह बड़ी खबर इस वक्त अब बिहार से है। बिहार में इस वक्त बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। कई विभागों के प्रमुख बदल दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रत्यय अमृत को 2 नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। सबसे अहम, सरकार ने मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक को स्थानांतरित कर दिया है। विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल को ही मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग का संपूर्ण प्रभार दे दिया है। कड़क अफसर KK पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। KK पाठक बिपार्ड के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग से लेकर वित्त और शिक्षा विभाग जैसे कई अहम विभागों के कार्यभार संभाल रहे IAS अधिकारियों का
तबादला किया गया है। कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को बदल दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह विभाग का मुख्य सचिव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को बनाया गया है। वहीं भागलपुर पुल गिरने के बाद से चर्चा में आए प्रत्यय अमृत को एक और विभाग का जिम्मा दे दिया गया है। उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग का भी अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। कुछ दिनों पहले पैरामेडिकल के छात्रों को चेताने का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जानकारी के अनुसार बिहार के गृह विभाग से लेकर वित्त और शिक्षा विभाग जैसे कई अहम विभागों की जिम्मेवारी संभाल रहे आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।